गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम बायो का प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम देखने वाले हैं। इसमें हम स्टेम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। इसके पहले हमने रूट टॉपिक देखा था, आज हम देखने वाले हैं स्टेम। क्लियर है? चलिए आ जाएं सभी लाइव। चलिए तो क्लास शुरू की जाए। सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। बताइएगा इसका आंसर। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन एक तना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेम? पोटैटो, रेडिस, कैरेट या फिर टर्निप, सलजम। बताएं कौन सा एक स्टेम होगा। ये तो सब बता देंगे कि स्टेम कौन सा होगा इनमें, ठीक है? क्योंकि इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, रूट पढ़ा था, ठीक है? रूट में हमारा हमने देखा था जो रेडिस है, कैरेट है, टर्निप, सलजम, ये सारे किसके हैं? रूट के पार्ट थे हमारे। और रूट का विकास कहाँ से होता है? हमारे मूलांकुर या फिर रेडिकल पार्ट से होता है, ठीक है ना? देखिए मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, सीड है। अब हम देखते हैं सीड में हमारा स्टेम क्या होता है और रूट क्या होता है। ये इस बीज में जब डेवलपमेंट कहाँ हो, नीचे की ओर होता है। कहाँ होता है? नीचे की ओर जब डेवलपमेंट होता है तो उसमें किसका डेवलपमेंट होता है? रूट का डेवलपमेंट होता है। और यही हमारा क्या कहलाता है, तना, जड़ कहलाता है। जब इस बीज में से डेवलपमेंट कहाँ हो, ऊपर की ओर होता है। कहाँ की ओर होता है? ऊपर की ओर होता है। तो ये किसका डेवलपमेंट कहलाता है? हमारा स्टेम या फिर तने का डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है ना? और जो स्टेम है और रूट है, क्या डिफरेंस है दोनों में? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेम एंड रूट? देखिए जो हमारा रूट होता है, इसमें हमारा ना तो नोड होता है और ना ही इसमें इंटरनोड होता है, ठीक है? इसमें आपको कहीं पे नोड नहीं मिलेगा, कहीं पर इंटरनोड नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा जो स्टेम है, इसमें नोड भी होता है और इंटरनोड भी होता है। दूसरा डिफरेंस क्या है? ये किस भाग से निकलता है हमारे बीच के? मूलांकुर भाग से निकलता है। किस पार्ट से निकलेगा ये? मूलांकुर या फिर रेडिकल पार्ट से निकलता है। और जो हमारा स्टेम होता है वो किससे निकलता है? प्रांकुर भाग से निकलता है। प्रांकुर को क्या बोलते हैं? प्लोम्यूल बोल, प्लोम्यूल बोलते हैं, ठीक है? तो स्टेम का डेवलपमेंट ऊपर की ओर होता है और रूट का डेवलपमेंट नीचे की ओर होता है। ये रेडिकल से निकलता है, ये प्लोम्यूल से निकलता है। ये हमारा किस प्रकार का तना हो जाएगा? एडवेंटियस रूट से होता है ये, ठीक है ना? किससे होता है? एडवेंटियस रूट से होता है, ठीक है? एडवेंटियस रूट किसे कहते हैं? जिसका विकास रूट से ना हो के कहाँ से होता है? स्टेम से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एडवेंटियस रूट कहते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था एडवेंटियस रूट या फिर अपस्थानिक जड़ जिसे बोलते हैं, ठीक है ना? तीन प्रकार के रूट हमने देखे थे, टैप रूट देखा था, दूसरा फाइब्रस रूट देखा था और तीसरा एडवेंटियस रूट देखा था, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आलू हो जाएगा, ठीक है? अब जब हम तने की बात करते हैं, स्टेम की बात करते हैं, स्टेम के कितने भाग होते हैं, स्टेम को कितने भागों में बांटा गया है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। जो हमारा स्टेम है इसको हम बांटते हैं लगभग तीन भागों में। इसका बेसिक डिटेल आप देख लीजिए, जो मैं अभी डिटेल आपको बताऊंगी आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको हेल्प मिलेगी समझने में, ठीक है ना? देखिए स्टेम को हम बांटते हैं तीन भागों में। कितने भागों में बांटते हैं हम स्टेम को? तीन भागों में स्टेम को डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा क्या, अंडरग्राउंड स्टेम। पहला हमारा क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम, यानी भूमिगत तना। इसको क्या कहेंगे हम? भूमिगत तना कहेंगे। और जो भूमिगत तना है इसका मतलब क्या, अंडरग्राउंड नाम से क्लियर है। अंडरग्राउंड मतलब क्या होना चाहिए? पूरा जमीन के अंदर होता है। कहाँ होता है ये? पूरी तरह से जमीन के अंदर घुसा होता है, पूरी तरह से ये मिट्टी के अंदर होगा, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं, ठीक है ना? दूसरा है हमारा सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम या फिर अर्धवायवीय तना, इसको हम क्या कहेंगे? अर्धवायवीय
तना। अर्धवायवीय तना मतलब आधा भाग, 20% भाग इसका जमीन मिट्टी के अंदर होगा और 80% भाग कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा, उसे हम क्या कहेंगे, सब एरियल स्टेम या फिर अर्धवायवीय तना कहते हैं। तीसरा है हमारा एरियल स्टेम या फिर वायवीय तना, ये पूरी तरह से कहाँ रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा, पूरी तरह से कहाँ रहेगा, ये ऊपर की ओर रहेगा। क्लियर है, तीन प्रकार की हमारी स्टेम हो गई, अंडरग्राउंड स्टेम, अर्धवायवीय, सब एरियल और एरियल। ठीक है, जो अंडरग्राउंड स्टेम होगी हमारी पूरी तरह से कहाँ होगी, जमीन के अंदर होगी, पूरी तरह से ये कहाँ होगी, जमीन के अंदर होगी। अब इसके अंदर भी हम इसके भाग देखेंगे, इसके अंदर भी भाग देखेंगे हम, जो हमारा अंडरग्राउंड स्टेम है इसके कितने भाग हैं। इसमें पहला हमारा है क्या, प्रकंद, सुना होगा आप लोगों ने, और इस टॉपिक से आपसे ऑब्जेक्टिव सॉरी एग्जाम्पल ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रकंद को हम क्या बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं, प्रकंद को क्या बोलते हैं, हम राइजोम बोलते हैं। देखिए जो राइजोम है हमारा वो किसका है एग्जाम्पल, भूमिगत तने का एग्जाम्पल होगा, ठीक है ना, या फिर प्रकार होगा। दूसरा हमारा है क्या, सल्ककंद, सल्ककंद को हम क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं। ठीक है, एक हमारा होता है बल्बली, ठीक है, बल्बली, इसमें बल्ब होता है हमारा भूमिगत तने में, और एरियल में एक हम पढ़ते हैं बल्बली, दोनों में अंतर है ध्यान रखिएगा। फिर है हमारा ट्यूबर, ट्यूबर या फिर कंद। लास्ट वाला क्वेश्चन हमने जो देखा था कौन सा तने का एग्जाम्पल है, तो आप लोगों ने आंसर किया था आलू। तो आलू जो है हमारा किस प्रकार की स्टेम है, किस प्रकार की स्टेम है, ये स्टेम किस प्रकार की है, अंडरग्राउंड स्टेम है। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो आलू है हमारा वो किस प्रकार की स्टेम है, भूमिगत है या फिर अर्धवायवीय है या फिर वायवीय है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और हम बात करते हैं किस में आता है ये, तो ट्यूबर या फिर कंद में आ जाएगा ये, क्लियर है, ट्यूबर में आ जाएगा। फिर लास्ट पार्ट है हमारा क्या, कॉर्म, चौथा है हमारा क्या, कॉर्न या फिर घन कंद इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, घन कंद बोलते हैं। जो हमारा राइजोम और कॉर्म घन कंद होता है, प्रकंद और घन कंद दोनों में माइनर डिफरेंस होता है। जो हमारा राइजोम है इसमें हमारा आ जाता है क्या, जिंजर, दूसरा हमारा आता है टर्मरिक, तीसरा हमारा क्या आ जाएगा, बनाना। आपको मेन इसके एग्जांपल्स ही ध्यान रखने हैं, ठीक है ना, हाँ बनाना भी इसी में आता है, राइजोम में आता है बनाना। देखिए इनमें जो डेवलपमेंट होता है, जो हमारा जिंजर है ये कैसा डेवलप करता है, आपने देखा होगा जो हमारा अदरक होता है वो हॉरिजेंटली चपटा सा होता है, कैसा होता है वो, चपटा सा। तो जो इनमें डेवलपमेंट होता है वो कैसा डेवलपमेंट होता है, हॉरिजेंटली डेवलपमेंट होता है, क्षैतिज डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना, क्लियर है। टर्मरिक में भी सेम, आपने देखा होगा जो कच्ची हल्दी वो भी अदरक की तरह ही दिखती है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, अदरक का आपने देखा होगा बहुत टेढ़ा मेढ़ा, और इनमें जो इंटरनोड और नोड का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा अदरक का एक नोड इधर है दूसरा इधर है, दोनों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन, बनाना भी तो होता है, बनाना आपने देखा होगा कि जो एक बनाने का पेड़ आप लगाओगे ना तो कुछ टाइम के बाद बहुत सारे बनाने के पेड़ वहीं पे आ जाएंगे, उसका डेवलपमेंट जो होता है वो, हाँ तो भूमि के अंदर बनाना लगता नहीं है लेकिन ये भूमिगत तने के अंदर ही आता है, क्योंकि उसका जो स्टेम का डेवलपमेंट होता है, जैसे ये बनाना का पेड़ लगा है यहाँ से ये बनाना आया, तो बनाना है इसमें क्या होगा, जो इसके स्टेम है वो जमीन पे टच होगी और इस स्टेम से जो जड़ें निकलेंगी, रूट अपस्थानिक जड़ें उसे कहेंगे हम, और इस स्टेम से जो जड़ें निकलेंगी एक और पौधे का निर्माण करेंगे, इसलिए हम कहते हैं इसे भूमिगत स्टेम, हाँ इसलिए इसे कहते हैं, ये भी इसलिए बनाने इसी का एग्जाम्पल होगा। अब मैं आपको बता रही थी राइजोम, प्रकंद और घन कंद के बीच का डिफरेंस, राइजोम में जो डेवलपमेंट होता है वो हॉरिजेंटली होता है, जो हमारा घन कंद है या फिर कॉम, इसका एग्जाम्पल जिमीकंद आपने देखा है, जिमीकंद जिसे हम सूरन कहते हैं,
सूरन, नहीं सुना? इमेज सर्च करो अपने मोबाइल में एक बार, जिमी कंद डालो, इसमें क्या होता है इसकी इमेज देखना। ये भी होता है गोल गोल सा होता है ये, इसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, लेकिन जो इनका डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, वर्टिकली डेवलपमेंट होता है, वर्टिकली डेवलपमेंट होता है इसका, ऊपर की ओर से होता है। जैसे जैसे जिंजर है हमारा, वो चपटे शेप में होता है ना, वो ऐसे गोल शेप में होता है और टेढ़ा मेढ़ा उसका शेप होता है। देख लिया इमेज? हाँ बिल्कुल सही, यही है। इसको हम सूरन भी बोलते हैं, जिमीकंद भी बोलते हैं, ओल भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम से। जमीन आप इसका पौधा देखोगे ना, ऊपर से हरा हरा होता है, लेकिन इतने जितने साल तक डेवलप रहेगा उस पौधे का, वो अंदर से उतना ही ज़्यादा डेवलप करता है वर्टिकली फॉर्म में। यूपी साइड बहुत होता है सूरन, हाँ हाँ, और काटता भी बहुत है। अरुई, अरुई जैसा ही होता है, लेकिन अरुई क्या होता है, छोटा होता है, और जो जिमीकंद होता है वो साइज में बहुत बड़े बड़े निकलते हैं। वो जितने टाइम तक आप पौधे को पोषण दोगे उसके हिसाब से उसका साइज भी बढ़ता है, मतलब जितना पुराना होगा उतना ही बड़ा उसका साइज होते जाएगा नीचे से, ठीक है? तो दोनों में यही डिफरेंस है बस, ठीक है? अब हम जो क्वेश्चन आएगा उसको देखेंगे, ठीक है? अभी इतना ही समझ लीजिए, जब अर्धवायवी वाला आएगा तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। अभी हम सिर्फ ये चार चीज़ें देखेंगे, प्रकंद, सल्पकंद, घनकंद और जिमीकंद। तो ये इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, पोटैटो। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा? ऑनलाइन वाले आंसर नहीं कर रहे कि आ नहीं रही चैट? चलिए ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑनलाइन वाले आंसर क्यों नहीं कर रहे आप लोग, दिख नहीं रहा मुझे या फिर कर नहीं रहे? चलिए कोई बात नहीं। अब आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि जो हमारा आलू है वो स्टेम के किसका भाग है, बताए स्टेम में किस स्टेम का भाग है, किसका है? ये अंडरग्राउंड का हो जाएगा। और क्या है हमारा, एक प्रकार से ये कंद है, कंद या फिर ट्यूबर कहते हैं। कंद को क्या कहते हैं हम, ट्यूबर कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है ये पोटैटो, ठीक है? जो हमारा पोटैटो होता है आपने देखा होगा, आप सोचते हैं जो हमारा रेडिस है ये क्यों नहीं है भूमिगत, ये भी तो जमीन के अंदर होता है, लेकिन ये रूट क्यों है, इसे हम रूट में क्यों लेते हैं और इसे हम स्टेम में क्यों लेते हैं, बताए किस वजह से इसे हम रूट बोलते हैं जो कि ये भी जमीन के अंदर होता है, और किस वजह से इसे हम स्टेम बोलते हैं ये भी जमीन के अंदर होता है। देखिए, क्योंकि जो हमारा आलू होता है आपने देखे होंगे इसमें नोट्स होते हैं, और वो रखे रखे आलू आपने देखा होगा उस नोट से ग्रीन ग्रीन पार्ट और पौधा डेवलप होने लगता है, ठीक है? तो यहाँ से नोड और इंटर नोड होते हैं पोटैटो में, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि मूली में आप वहाँ से दूसरी मूली बाहर रखें और निकल जाए, ऐसा नहीं होता उसमें, क्योंकि नोड और इंटर नोड नहीं होते हैं। गाजर में भी ऐसा नहीं होता, सलजम में भी ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। जमीकंद और अरवी भोजन संचय के लिए जड़ों का रूपांतरण करते हैं, भूमिगत तनों का रूपांतरण करते हैं, वायवी तनों का रूपांतरण करते हैं, या फिर पत्तियों का रूपांतरण करते हैं, पता है? जिमीकंद मैंने अभी आपको बताया था, जिमीकंद किसको कहते हैं, सूरन को कहते हैं। तो बताएं क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर करें। जिमीकंद किसका एग्जाम्पल है पहले ये बताएं, जो हमारा जिमीकंद है वो किस तने का एग्जाम्पल हो जाएगा, भूमिगत तने का हो जाएगा। भूमिगत तने में भी किसका है, कॉम या फिर घनकंद का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, कॉम या फिर घनकंद का हो जाएगा। ठीक है, आंसर करें, कॉम या फिर घनकंद का हो जाएगा, पता आंसर करें सभी। ऑनलाइन वाले तो आज आंसर ही नहीं कर रहे हैं, क्यों ऑनलाइन वाले बताएं क्यों? जड़ों का रूपांतरण होता है इसमें, नहीं होगा, भूमिगत तने का रूपांतरण होता है, वायवी तने का रूपांतरण, वायवी तो कैंसिल हो जाएगा, जड़ों का भी कैंसिल हो जाएगा, पत्तियों का रूपांतरण होता है या भूमिगत तने का रूपांतरण होता है,
किसका रूपांतरण होगा? इसके डेवलपमेंट के लिए पूछा है। जहां पे भोजन का संचय होता है तो कहां पे होगा बताएं? इसकी पत्तियों में होता है। किसमें होगा हमारा? पत्तियों में होगा, ठीक है ना। पत्तियों का रूपांतरण होता है जहां पे भोजन का क्या होता है? संचय होता है। प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन का संचय करते हैं ये, ठीक है। मैंने आपको बताया क्या, जितने सालों तक वो पौधा डेवलप होता रहेगा, उनकी लीव्स में रूपांतरण होता रहेगा, वो नीचे से उतना ही ज़्यादा क्या करता है, डेवलप करता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा इसका पौधा तो, और नहीं देखा होगा तो एक बार गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा जिमीकंद की इमेज, ठीक है। बहुत बड़े बड़े होते हैं ये, जितना बड़ा, जितना पुराना होता है ना उतना ही बड़ा निकलता है, इतने बड़े बड़े भी निकल जाते हैं, बहुत बड़े बड़े। यूपी बिहार में ज़्यादा होते हैं इसके पौधे, यहाँ पे देखने को कम मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तना विकसित होता है मूलांकुर से, प्रांकुर से, ल्यूमियल से, या फिर ओव्यूल से, या फिर ओवरी से। स्टेम का डेवलपमेंट कहाँ से होता है बताएं? स्टेम का डेवलपमेंट कहाँ से होता है बताएं? स्टेम का डेवलपमेंट कहाँ से होता है? ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन वाले आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? किसी का आज आंसर नहीं आया, पता नहीं क्यों। क्या हो जाएगा इसका? प्रांकुर। किससे होगा? प्रांकुर या प्लीम्यूल से। मैंने आपको बताया था जो हमारे सीड्स होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक हमारा क्या होता है रेडिकल, और दूसरा हमारा होता है प्लीम्यूल। रेडिकल से किसका? रूट का डेवलपमेंट होता है, आर से आर, रेडिकल रूट। प्लीम्यूल से स्टेम का होता है, आर आर और पी एस, ऐसे ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जी सर, मैंने चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करें आंसर। जो कच्ची कली से निकलते हैं, स्टेम का तने का वह भाग जो कच्ची कली से निकलते हैं, पतले तथा कुंडलित होते हैं और पौधों के ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कंटक कहलाएंगे, थ्रोन्स, पन्नाव कहलाएंगे, पन्न फर, हिंदी नाम थोड़ा अजीब है, इंग्लिश नाम में लिख देती हूँ आपको, यहाँ पर इसका इंग्लिश नाम मैं आपको लिख देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कंटव, कंठव मतलब होता है स्टेम, थ्रोन। पन्नाव, पन्नाव मतलब क्या होता है आपका? पन्नाव क्ले डोड, क्ले डोड। एक काम करते हैं, पहले हम इससे रिलेटेड जो है वो देख लेते हैं, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। इसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि जो हमारा ये क्वेश्चन है ये हमारा एरियल स्टेम से लिया गया है। किससे लिया गया है? एरियल स्टेम। एरियल स्टेम हमारी क्या होती हैं? एरियल स्टेम वे स्टेम होती हैं जो पूरी तरह 100% कहाँ होती है? जमीन से ऊपर होती हैं, उसे हम कहते हैं क्या? एरियल स्टेम। तो इसे हम पहले समझ लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं कि एरियल स्टेम, तीन प्रकार के स्टेम हमने देखी, अंडरग्राउंड स्टेम, सब एरियल स्टेम और एरियल स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में हमने देखा था क्या? प्रकंद राइजोम होता है। दूसरा क्या होता है हमारा? दूसरा हमारा होता है कंद या फिर ट्यूबर। तीसरा हमारा क्या होता है? घन कंद या फिर कॉम। और फिर हमारा क्या होता है? बल्ब या फिर सल्क, ठीक है। अब हम तीसरा वाला देखेंगे, एरियल स्टेम। एरियल स्टेम क्या होती है हमारी? एरियल स्टेम वे स्टेम होती हैं जो कहाँ होती हैं? हमारी अर्थ से ऊपर की ओर होती हैं, पूरी की पूरी कहाँ होती हैं? वायु में होती हैं। और एरियल स्टेम के होते हैं कुछ भाग, पहला हमारा कहलाता है क्या? कंटक स्तंभ। क्या कहते हैं? कंटक स्तंभ। कंटक स्तंभ में इंग्लिश से इसका नाम क्या हो जाएगा? अभी क्या हो था? स्टेम थ्रोन, स्टेम थ्रोन। अभी जो क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड था हमारा, स्टेम थ्रोन। स्टेम थ्रोन क्या है? जो हमारे कांटे वाले पौधे होते हैं ना, जिनमें क्या होता है? कांटा होता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? जैसे नींबू हो गया हमारा, नींबू में कांटे होते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा क्या? बोगेनविलिया, बोगेन
वीलिया। जिन पौधों में क्या होते हैं, कांटे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंटक स्टेम कहते हैं। कंटक से याद रखिएगा क्या, कांटे, जिनमें कांटे होते हैं उसे हम स्टेम थ्रोन कहेंगे। दूसरा हमारा है क्या, स्तंभ प्रतान, स्तंभ प्रतान। अब प्रतान को क्या बोलते हैं, हिंदी नाम थोड़ा अजीब है इसका, स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल। अब टेंड्रिल मतलब क्या होता है बताएं, टेंड्रिल का मतलब आप जानते होंगे, जो उसका सहारा देने का काम होता है, टेंड्रिल मतलब एंटीना टाइप से आप कह सकते हैं, ठीक है, जो उसको क्या देता है, सहारा देने का काम करेगा, वो क्या कहलाते हैं, हमारे टेंड्रिल कहलाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो हमारा खरबूजे का पेड़ होता है, खरबूजा हो गया, खीरा हो गया हमारा, तरबूज हो गया, लौकी हो गया, ये सारे पौधों में क्या होते हैं, हमारे टेंड्रिल पाए जाते हैं। टेंड्रिल कैसे होते हैं हमारे, ये ऐसे ऐसे राउंड शेप में होते हैं, लेकिन टोटली ये राउंड नहीं होते, ये स्प्रिंग जैसे होते हैं। कैसे शेप में होते हैं, ये स्प्रिंग के शेप में होते हैं। आपने देखा होगा जो लौकी का पेड़ होता है, लौकी का पौधा होता है, वो सहारे के लिए पतली पतली लेयर्स ले जाता है, सहारे के लिए पतली पतली ऐसे राउंड राउंड शेप में, फिर आगे ऐसे ले जाएगा, वो उसको क्या करता है, सहारा देने का काम करता है, स्प्रिंग के शेप में होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, टेंड्रिल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम टेंड्रिल कहेंगे। तो टेंड्रिल का मतलब समझ गए, जिन जिन पौधों में ये टेंड्रिल होता है वो सभी इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा कि ये किस स्टेम का पार्ट है, या फिर ये किस स्टेम का एग्जाम्पल है, ठीक है, या फिर किसका भाग है ये, ऐसे दे देगा एग्जाम्पल में। जो हमारा खीरा है वो किस स्टेम में आता है, तो किस में आ जाएगा, एरियल स्टेम में आ जाएगा, और एरियल स्टेम में भी किसका हो जाएगा, ये स्तंभ प्रतान या फिर स्टेम टेंड्रिल का भाग हो जाएगा, ठीक है। ये सभी किसके हैं, एरियल के हो जाएंगे। कंटक, हाँ कंटक मतलब होता है जो कांटे वाले पौधे होते हैं, जैसे कि नींबू हो गया, जिन जिन पौधों में क्या हो, कांटे हो, जिसे जानवर नहीं खा पाते हैं, जिनमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं, उसे हम कंटक स्तंभ बोलते हैं, क्लियर है। हाँ नींबू हो गया, जिन जिन में भी आपको मिल जाए, बोगे, बोगेनविलिया, बोगेनविलिया को आप सर्च करके देख लीजिएगा, बोगेनविलिया भी हमारा क्या होता है, कांटेदार पौधा होता है, इसमें भी क्या होते हैं, बहुत सारे कांटे होते हैं, ठीक है ना। फिर तीसरा नंबर आप लिख लीजिएगा, ये सारे एरियल के हैं, ध्यान से देखिएगा, पर्णकाय स्तंभ। तीसरा हमारा क्या, पर्णकाय स्तंभ। पर्णकाय स्तंभ को हम बोलते हैं फाइलोक्लेडे, क्या बोलेंगे इसको, फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड क्या होते हैं, फाइलोक्लेड में जो पौधे क्या होते हैं, सूखे स्थानों में पाए जाते हैं, जहाँ पे पानी की मात्रा उसे कम मिलती है, जहाँ पे पानी की कमी होती है, जहाँ पर वहाँ पे ये पौधे पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पर्णकाय स्तंभ या फिर फाइलोक्लेड कहते हैं। इसका एग्जांपल आप लिख लीजिएगा नागफनी, जो नागफनी का पौधा आता है, इसे पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, इसलिए ये ज़्यादातर जहाँ पर पानी कम होता है वहाँ पे कौन से पाए जाते हैं, नागफनी के पाए जाते हैं। और ये किस प्रकार के स्टेम में, ये एक प्रकार से एरियल स्टेम होती है, और एरियल स्टेम में भी किसका भाग है, ये फाइलोक्लेड का भाग है, किसका है, फाइलोक्लेड का भाग हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर इसे कैक्टस भी बोलते हैं। फोर्थ नंबर आप लिख लीजिएगा क्लोडो, क्लेडोड। क्लेडोड को हम बोलते हैं पर्णाभ पर्त, हिंदी नाम बड़ा खतरनाक है इसका, पर्णाभ पर्त। अब इसमें कौन से आ जाएंगे, पर्णाभ पर्त में आ जाएगा क्या, सतावर, सतावर का देखा होगा आपने, सतावर का पेड़, इस किसका, इसकी CLADOD, क्लेडोड, क्या है, क्लेडोड, सतावर देखा होगा आपने, सतावर को हम क्या बोलते हैं, एस्पैराजस, क्या बोलते हैं इसे, एस्पैराजस। और दूसरा है हमारा क्या, रसकस, ठीक है। अभी आप लोग नहीं समझ रहे हैं, अभी क्वेश्चन आएगा तो फिर पूछेंगे मुझसे कि ये कहाँ से आया, अभी क्योंकि ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आने वाला है। फिफ्थ नंबर है हमारा क्या, बल्बिल। मैंने आपको बताया था जो हमारा भूमिगत तना था उसमें क्या होता है, बल्ब या फिर सल्क होता है, और सल्क का एग्जाम्पल क्या है, लहसुन और प्याज।
ठीक है, तो बल्बिल इसे क्या कहते हैं हम, बल्बिल, बल्बिल को कहते हैं पत्र प्रकलिका, क्या बोलते हैं, पत्र प्रकलिका बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा आप, बल्बिल, इसका लिख लीजिएगा आप एलो, अलोए, अलो, लिमिटेड एग्जाम्पल है इनके, और यही एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हो सकेगा तो एक एक बार इन सब के नाम गूगल में सर्च कर लीजिएगा, तो माइंड में फीड हो जाएगा जो नाम आपने सुना नहीं होगा। ठीक है ना, हाँ, सतावर का कर लीजिए, एस पैरेजस बोलते हैं इसे, रसकस रसकस भी, हाँ वही होता है। चलिए अब दीजिए इसका आंसर, अब दे पाएंगे आप। स्टेम का जो कच्ची कली से निकलते हैं, पतले कुंडलित होते हैं और पौधे के ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बताएं, पौधे के ऊपर चढ़ने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे बताएं। डी नंबर एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, नन, डी नंबर में लिख लीजिएगा क्या, नन, नन। पर्णाभ पर्व को क्या बोलेंगे, पर्णाभ पर्व को क्या बोलेंगे, क्लेडोड, क्या बोलेंगे इसे, पर्णाभ को क्लेडोड बोलेंगे ना, पर्णाभ पर्व को क्या बोलेंगे, पर्णाभ पर्व को बोलेंगे क्लेडोड, उल्टा लिख दिया मैंने, पर्णाभ स्तंभ, पर्ण का पर्ण, अरे यार अजीब नाम है इसका, हिंदी इंग्लिश नाम भी इसका मैं लिख देती हूँ आपको, ठीक है, क्लेडोड लिख लीजिएगा और दूसरा लिख लीजिएगा आप क्या, साइक्लोडेड, फाइक्लो, फाइक्लो क्लेड, ठीक है, थ्रोन क्लोडेड, क्लेडेड और फाइक्लोडेड, क्या हो जाएगा इसका आंसर बताएं। पतले तथा कुंडलित होते हैं, कुंडलित नुमा संरचना किसकी होती है बताएं, जिसकी संरचना क्या हो, कुंडलित नुमा होती है, वो कौन से होते हैं, ये ए नंबर टेंड्रिल भी है, सॉरी यहाँ पे ए नंबर है ना, टेंड्रिल, टेंड्रिल्स को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, हिंदी में देखिए टेंड्रिल्स को क्या बोलेंगे हिंदी में, प्रतान, क्या बोलते हैं इसे, प्रतान, हिंदी मीडियम वाले हिंदी नाम भी ध्यान रखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले को तो चलो चल जाएगा। ये चार ऑप्शन है आपके, ये ऑप्शन यहाँ छिप गया था, पता नहीं चला था ए नंबर है, ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा। अभी टेंडल का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, बताओ क्या आ जाएगा, कुंडलनुमा संरचना, स्प्रिंग जैसा संरचना जिसकी होती है, जो सहारा देने का काम करते हैं, किसमें होते हैं हमारे, टेंडल में होते हैं ना, जिनमें टेंडल होता है, जो स्प्रिंग जैसी संरचना होती है ना हमारी, जो चढ़ने की, देखो इसमें लिखा भी है क्लाइंबिंग, ऊपर चढ़ने में सहायता करते हैं, टेंडल्स कहलाते हैं, या फिर इसे प्रतान कहते हैं। ये किसका भाग है, एरियल स्टेम का है, एरियल स्टेम में भी किसका है हमारा, टेंडल का है, और टेंडल क्या होते हैं, इनकी कुंडली, ये क्या होते हैं, कुंडली तुम्हारे संरचना में होते हैं, ऐसे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। और जब हमने नॉर्मली आपने लौकी खरबूजे तरबूजे का तो देखा ही होगा, पतली पतली रेशेदार जो राउंड नुमा संरचना होती है, उसे सहारा देके आगे बढ़ाने का काम करती है, इसे ही हम बोलते हैं क्या, टेंडल। टेंडल का मतलब कह सकते हो आप कि एक स्प्रिंग नुमा कुंडली संरचना होती है जो उसे सहारा देने का काम करती है, फिर एंटीना से आप ध्यान रखो टेंडल, ठीक है, क्लियर है, चलिए समझ में आ रहा है सभी को। समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन तो बताइएगा जरूर, इसलिए मैंने इसके पहले आपको बता दिया था इसका एक्सप्लेनेशन। तना प्रतान देखा जाता है पंपकिन, पंपकिन मतलब क्या होता है, कद्दू, कद्दू में खीरा, खीरा लिखा है, वीरा आ गया, वाटरमेलन या फिर सिट्रस, बताएं किस में देखा जाता है। तना प्रतान, प्रतान को क्या बोलते हैं हम, टेंड्रस बोलते हैं, किस में देखा जाता है बताएं, किस में देखा जाएगा, खीरा, कद्दू, वाटरमेलन या फिर सिट्रस, किस में देखा जाएगा, तना प्रतान है ना, हाँ स्तंभ प्रतान एक ही है, एक ही है दोनों, तना प्रतान या स्तंभ प्रतान दोनों एक ही चीज है, क्या हो जाएगा बताएं, सीधा वाटरमेलन हो जाएगा, पम्पकिन, कद्दू, सिट्रस, ऑप्शन थोड़ा अजीब कंफ्यूजिंग हो, हाँ खीरा भी है,
तरबूज भी है, तो इसमें आप साइड लिख लीजिएगा, साइड से ए में आप लिख लीजिए ए एंड बी होगा, बी में आप लिख लीजिएगा बी एंड सी होगा, डी सी में आप लिख लीजिएगा ए एंड डी होगा, या फिर डी में आप लिख लीजिएगा ए और डी, ए और बी, ए और बी और सी, अब क्या हो जाएगा बताएं? क्या हो जाएगा हमारा? कुकुम्बर और वाटरमेलन, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? टेंडल वाले हो जाएंगे, ठीक है। जिनकी संरचना किसके जैसी होती है? स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो ये निकलती हैं ये उसे सहारा देने का काम करती हैं, उसे आगे इनकरेज या फिर आगे बढ़ाने का काम करती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताएं तना कंटक देखा जाता है बोगेनविलिया में, नींबू में, संतरे में, या फिर इनमें से सभी। अब बताइए जो तना कंटक यानी क्या होगा हमारा? स्टेम थ्रोन्स आर सीन इन, सीन इन स्टेम थ्रोन किन में देखा जाता है? तना कंटक, नाम से ही क्लियर है, कांटे वाले पौधे जो होते हैं उन सब में क्या होता है हमारा? कंटक देखा जाता है। और ये किसका भाग होगा हमारा? कंटक किसका होगा बताएं? एरियल का होगा, सब एरियल का होगा, कि अंडरग्राउंड स्टेम का होगा? ये किसका है? सारा एरियल स्टेम का भाग है कंटक स्तंभ। एरियल स्टेम के कितने भाग हैं? टोटल 5 भाग हैं। क्या क्या है हमारा बताएं? स्टेम थ्रोन है, स्टेम टेंड्रिल है, फिर हमारा क्या है? फाइक्लोक्लेडा है, फिर क्या है? क्लेडोड है, और पांचवा हमारा क्या है? वल्विल। पांचों हमारे किसके भाग हैं? एरियल स्टेम के भाग हैं, ठीक है ना। और इन सबके आपको 2-4 एग्जाम्पल ही याद रखने हैं। देखिए बोगेनविलिया मैंने आपको पढ़ा अभी जब थ्योरी में बताई थी, इसका कंटक स्तंभ में बोगेनविलिया एग्जाम्पल लिखवाया था मैंने। और जितने भी कांटे वाले पौधे होते हैं हमारे, सभी हमारे किस में आ जाते हैं? कंटक स्टेम में आ जाते हैं, या फिर स्टेम थ्रोन्स जिसे बोलते हैं इसमें आ जाएंगे। तो बोगेनविलिया जो होता है इसमें भी कांटा होता है, नींबू तो आपने देखा ही होगा इसमें भी कांटे होते हैं, ऑरेंज में भी कांटे होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इनमें से सभी या फिर ऑल ऑफ दीज का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत मिलान चुने, चूज इन करेक्ट मैच। इन करेक्ट मैच को आपको सेलेक्ट करना है, तो बताएं पड़नाव फैक्टर्स जो हमारा फाइक्लोडेड है, पड़नाव फैक्टर्स उसका एग्जांपल क्या? कैक्टस होगा। पड़नाव सतावर यानी क्लेडोड का एग्जांपल एस्पेरेगस होगा। तना कंटक नींबू। स्टेम थ्रोन का एग्जांपल लेमन होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताएं क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए मैंने आपको अभी बताया था जो हमारे ये सबके भाग किसके हैं? एरियल स्टेम के सारे पार्ट हैं, ये सभी पार्ट किसके हैं? ये एरियल स्टेम के हैं। अब एरियल स्टेम में 3 तो आपने देख लिया, क्लेडेड, स्टेम थ्रोन, क्लेडेड और साइक्लेड, और एक हमारा क्या बचा? स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल और बल्विल, LBIL, बल्विल। ये सारे हमारे किसके हैं? एरियल स्टेम के हैं। आपको थ्योरी से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें ही मैं थ्योरी कवर कर रही हूँ। एरियल स्टेम के ये टोटल 5 भाग हैं, पांचों भाग और एग्जांपल्स आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो हमारा फाइक्लोडेड है ये कैक्टस है, बिल्कुल राइट। क्लेडेड एस्पेरेजस, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं? सतावर, सतावर। और एक एग्जाम्पल और कौन था हमारा? रस्कस। ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल है? क्लेडेड के एग्जाम्पल हो जाएंगे। स्टेम थ्रोन कौन से होंगे हमारे? कंटक, जिन पौधों में क्या होते हैं? कांटे होते हैं, उसे हम स्टेम थ्रोन कहते हैं। तो लेमन हो गया हमारा, ऑरेंज हो गया, और बोगेनविलिया, क्या हमारा? बोगेनविलिया। ये 3 एग्जाम्पल किसके हैं? स्टेम थ्रोन के हो जाएंगे, क्लियर है। चलिए तो इनमें से कोई भी नहीं, यानी सारे जो हमारे मैचेज हैं वो क्या है? राइट हो जाएंगे। तो डी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भूमिगत तना नहीं है? अंडरग्राउंड स्टेम कौन सी नहीं है इनमें? राइजोम, ट्यूबर, बल्ब या फिर स्वीट पोटैटो।
क्या पूछ रहे हैं? अंडरग्राउंड स्टेम नहीं है, हम जानते हैं अंडरग्राउंड स्टेम चार है टोटल हमारी, राइजोम, ट्यूबर, बल्ब और एक हमारा और कौन सा है? राइजोम, ट्यूबर, बल्ब और एक कौन सा हो जाएगा हमारा, बताएं एक और कौन सा हो जाएगा हमारा? कॉम। चौथा हमारा क्या हो जाएगा? कॉम या फिर घन कण जिसे बोलते हैं। घन कण का एग्जाम्पल क्या है? सूरन या फिर जिमीकंद बोलते हैं इसे, ठीक है। और प्रकंद का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? जिंजर, टर्मरिक और क्या हो जाएगा? बनाना। ट्यूबर में क्या आ जाएगा हमारा? आलू। बल्ब में क्या आ जाएगा? लहसुन और प्याज। लहसुन प्याज हमारे क्या है? सल्क है। सल्क मतलब क्या होते हैं? जिनमें क्या होता है? सल्क यानी लेयर्स होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सल्क कहते हैं। प्याज आपने देखा होगा उसमें बहुत सारी अंदर लेयर्स होती हैं, ठीक है ना, और वो अंदर से क्या होते हैं? गीले होते हैं। प्याज हो गया, लहसुन हो गया, वो अंदर से क्या होते हैं? मॉइस्चराइज होते हैं, गीले होते हैं, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो आपको बताना है भूमिगत तना कौन सा नहीं हो जाएगा। ये तीनों तो किसके एग्जाम्पल हो गए? भूमिगत तने के हो गए, अंडरग्राउंड स्टेम के हो गए। बचा क्या हमारा? शकरकंद। ये एक प्रकार की क्या है? स्टेम नहीं है, ये क्या है? एक प्रकार की रूट है, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रकंद है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइजोम? इनमें से कौन सा एक राइजोम है आपको बताना है। जिमीकंद, जिमीकंद को ओल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ओल, सूरन, जिमीकंद कुछ भी आ जाए, किसका एग्जाम्पल है? ये कॉम का एग्जाम्पल है। कॉम को क्या बोलते हैं हम? घन कंद बोलते हैं, जो कि हमारी क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम का भाग है, ठीक है। अरवी या फिर एस्पैरेजस, अरवी को क्या बोलते हैं हम? एस्पैरेजस। ये किसका एग्जाम्पल है बताए? इसके जस्ट पहले ही आया था। अरवी किसका एग्जाम्पल है? अरवी किसका एग्जाम्पल है? पहले तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बताए? ये एरियल का हो जाएगा। किसका भाग हो जाएगा ये? क्या ओनियन क्या हो जाएगा हमारा? एक प्रकार से बल्ब है। बल्ब है क्या? सल्कंद, सल्कंद बोलते हैं, सल्कंद ही तो बल्ब है। और जिंजर हमारा क्या है? एक प्रकार का राइजोम है। तो बताना है प्रकंद कौन सा हो जाएगा? राइजोम। क्या हो जाएगा हमारा? डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। डी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। राइजोम का एग्जाम्पल हो जाएगा ये। एपेजरस और रस्कस, नहीं रस्कस तो दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। निम्न में से कौन सा कंद है? कंद है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्यूबर? इनमें से कौन सा कंद है? पोटैटो, प्याज, लहसुन, हल्दी। ये तो बनी जाएगा। क्या है हमारा? पोटैटो एक प्रकार का क्या है? ट्यूबर है या फिर कंद है। प्याज हमारा क्या है? बल्ब या फिर सल्कंद है। लहसुन हमारा क्या है? ये भी बल्ब और सल्कंद है। टर्मरिक क्या है हमारा? टर्मरिक भी तो राइजोम हो जाएगा, ठीक है ना। राइजोम होते क्या है वैसे? जो हमारी रूट्स होती है ना, यहीं पे होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? राइजोम कहते हैं, ठीक है। जो क्या करती हैं? भोजन का संश्लेषण करने का काम करेंगी, खनिज लवणों का संश्लेषण करने का काम करेंगी, वही हमारी क्या होती है? राइजोम्स होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पोटैटो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। निम्न में से कौन सा सल्कंद है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बल्ब? अरवी, ओल या जिमीकंद, प्याज या फिर अदरक। कौन सा हो जाएगा बताएं? ओल क्या है हमारा? सल्कंद क्या है? ये एक प्रकार का क्या है? कॉम है। कॉम या फिर घनकंद है जिसे हम क्या कहते हैं? सूरन, जिमीकंद या फिर ओल। ओनियन बल्ब है। जिंजर क्या है हमारा? कंद या फिर जिंजर क्या है हमारा? राइजोम है ना। जिंजर क्या है हमारा? राइजोम है। तो यहाँ पे सल्कंद क्या हो जाएगा बताएं? सल्कंद क्या हो जाएगा बताएं? प्याज हमारा क्या हो जाएगा? सल्कंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन सा घन कंद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम, कौन सा एक घन कंद है आपको ये बताना है। पोटैटो, अरवी, प्याज या फिर गार्लिक या फिर लहसुन, बताएं कौन सा एक घन कंद हो जाएगा। घन कंद यानी काम, अरवी। एलिमिनेट कर लोगे तो भी हो जाएगा, एलिमिनेट कर लोगे आप तो भी हो जाएगा। पोटैटो क्या है हमारा, कंद, कंद, कंद को क्या बोलते हैं हम, ट्यूबर, एक प्रकार का ये क्या है, ट्यूबर है। ओनियन क्या है हमारा, सल्प कंद है या फिर बल्ब है। लहसुन भी है, और लहसुन भी हमारा क्या है, सल्प कंद बल्ब है। लहसुन और प्याज हमारे क्या है, बल्ब में आते हैं। बच्चा क्या हमारा, एस्पैरेगस अरवी, क्या है अरवी, अरवी क्या होता है, वो भी जिमीकंद जैसा ही होता है, लेकिन जो अरवी का साइज है वो छोटा होता है, और जो हमारा जिमीकंद है उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अरवी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गलत मिलान करना है आपको, ऊपरी भुस्तरी दूब घास। अब ये हमारा ऊपरी भुस्तरी, ऊपरी भुस्तरी को हम बोलते हैं रनर, स्टॉलन, जलकुंभी, ऑफसेट और ट्यूबर। देखिए जो हमारा रनर है, स्टॉलन है, ऑफसेट है, और एक हमारा होता है सकर, ये चार जो है हमारे, ये सब एरियल स्टेम के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये सब एरियल स्टेम के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ऊपरी भुस्तरी रनर, इसको क्या बोलते हैं, रनर। पहले तो आप ध्यान रखिएगा इसमें। अब हम सेकेंड टाइप, हमने दो टाइप देख लिया, क्या अंडरग्राउंड स्टेम देख लिया, और दूसरा मन ने क्या देख लिया था, एरियल स्टेम। अब जो क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं वो आ रहे हैं किससे, सब एरियल स्टेम से आ रहे हैं। अब सब एरियल स्टेम को भी कितने भागों में बांटा गया है, सब एरियल स्टेम को चार भागों में बांटा गया है। देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम, या फिर इसे हम कहते हैं अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तना। इसके कितने भाग हैं टोटल हमारे, चार। टोटल कितने हैं हमारे, चार भाग। अब चार भागों को याद रखना है हमें, चारों भाग को क्या करना है हमें, याद रखना है। पहला हमारा क्या है, रनर। इंग्लिश नाम पहले देख लीजिए, पहला है हमारा क्या, रनर। दूसरा है हमारा स्टोलन, STOLON। तीसरा हमारा है सकर, और चौथा है हमारा क्या, ऑफसेट। ये किसके हैं, अर्धवायवीय तने के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। रनर को हम बोलते हैं उप ऊपरी भुस्तरी, हिंदी नाम बड़ा बेकार है इसका, ऊपरी भुस्तरी। स्टोलन का पूरा हिंदी नाम क्या है, भुस्तरी, और सकर का पूरा हिंदी नाम क्या है, अंतर्भुस्तरी, भुस्तरी। भुस्तरी इज अ कॉमन वर्ड इन दिस ऑल वर्ड्स, अंतर्भुस्तरी। अब ये हमारा ऑफसेट क्या है, भू स्तरिका। ये सारे किसके हैं, सब एरियल स्टेम के पार्ट्स हो जाएंगे। देखिए जो ऊपरी भुस्तरी है, अब इसका तो हिंदी नाम से कंफर्म है, रनर, जो क्या कर रहा हो, रन कर रहा हो। इसमें हमारे एग्जांपल आ जाएंगे, जो हमारी दूब होती है, जो हमारी घास होती है, ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे, रनर के। ये क्या होता है, क्या होता है इसमें, क्या होता है, जैसे ये घास निकली, इसमें जो ये घास है, ये स्टेम वापस से ये जमीन पे जाएगी, यहाँ से जड़ें विकसित होंगी, फिर वापस से ये क्या आ जाएंगी, ऊपर की ओर आ जाएंगी। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएंगी, घास हो जाएगी, और घास हमारी किस में आती है, रनर में आती है। और ये किस स्टेम का भाग है, सब एरियल स्टेम का भाग हो जाएगा, क्या हमारा, दूब या फिर घास हमारा सब एरियल स्टेम का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं स्टोलन, इसके एग्जाम्पल में आप याद रखिएगा, जो हमारा जैस्मिन का फूल आपने देखा होगा, जैस्मिन और स्ट्रॉबेरी,
ये हमारे किसके भाग हैं? स्टोलन के भाग हो जाएंगे। शक्कर की बात करते हैं, शक्कर में आप लिख लीजिएगा मिंट और अनानास, पुदीना और क्या हो जाएंगे? अनानास हो जाएंगे। ऑफसेट की बात करते हैं, इसका एग्जांपल एक है सिर्फ जलकुंभी। अच्छा, जलकुंभी को और क्या कहते हैं हम? जलकुंभी जो होता है हमारा, उसे क्या कहते हैं? जलकुंभी को बंगाल का आतंकवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बंगाल का आतंकवाद। ठीक है, तो जो आज हमने स्टेम में तीनों भाग देखे हैं, वो तीनों भाग किसके हैं? स्टेम के हैं। अब जो क्वेश्चन आएंगे इसी से रिलेटेड आएंगे पूरे, और इससे ही रिलेटेड आपसे एग्जांपल पूछे जाएंगे। तो इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब बताइए, गलत मिलान करना है आपको, इसमें से कौन सी मैच जो है गलत होगा आपको बताना है। ऊपरी भूस्तरी दूब घास, रनर किसका है? दूब घास, सही है बिल्कुल। अभी जस्ट हमने देखा रनर का एग्जांपल क्या था? दूब घास था। स्टोलन, स्टोलन को बोलते हैं भूस्तरी, ये इसका एग्जांपल क्या था हमारा? केला, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर हमारा भूस्तरी का जलकुंभी, ऑफसेट बिल्कुल सही है ये भी। ट्यूबर पंपकिन, क्या जो हमारा कद्दू है वो पंपकिन है? नहीं है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट हमारी कौन सी हो जाएगी? डी नंबर यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। और एक हमारा और क्या बचा? ये तीन तो मिल गए हमें, रनर, स्टोलन, ऑफसेट, एक और कौन बचा? शक्कर। शक्कर में क्या आ जाएगा? मिंट आ जाएगा, और हमारा क्या आ जाएगा? अनानास आ जाएगा। ठीक है, ये चारों ही किसके हैं? सब एरियल स्टेम के भाग हो जाएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इनमें से कौन से स्टेटमेंट राइट है आपको बताना है? तना गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ता है, स्टेम इज अ पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, तना प्रकाश के विपरीत बढ़ता है, स्टेम इज अ निगेटिव फोटोट्रॉपिक, तने में पर्व अनुपस्थित होता है, स्टेम हैज क्या नहीं होता? नोड्स। पर्व को क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। तना में पर्व संधि या इंटर नोड उपस्थित होता है। पता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट राइट होगी आपको ये बताना है? स्टेटमेंट कौन सी राइट होगी ये बताना है आपको, कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी राइट है और कौन सी रॉन्ग है आपको ये इसमें बताना है। देखिए, मैंने आपको रूट में बताया था, रूट जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? गुरुत्वाकर्षण की दिशा में चलते हैं क्या? नहीं चलते। तना गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ता है, गलत। जो हमारा स्टेम होता है, आपने देखा होगा रूट जो है हमारी गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लगता है, तो रूट जो है हमारी गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ती है, लेकिन जो हमारी स्टेम है वो तो ऊपर की ओर बढ़ती है, तो ये कहाँ बढ़ेगी? गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में बढ़ती है। तो तना गुरुत्वाकर्षण की दिशा में बढ़ता है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, क्योंकि ये इसके जस्ट विपरीत दिशा में बढ़ता है। ठीक है, तना प्रकाश के विपरीत बढ़ता है, गलत। तना क्या? प्रकाश। प्रकाश अगर ऐसे जा रहा है तो फिर ये क्या है? प्रकाश की दिशा में बहता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। तने में पर्व अनुपस्थित होता है, गलत। क्या तने में नोड नहीं होता? तने की तो डेफिनेशन ही होती है क्या? जिसमें नोड और इंटर नोड होते हैं वो हमारी क्या कहलाते हैं? स्टेम कहलाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि नोड होते हैं स्टेम में। फिर हमारे तने में पर्व संधि उपस्थित होती है, गलत, सॉरी सही, पर्व संधि उपस्थित होती है, बिल्कुल सही। तने में हमारा इंटर नोड भी होता है और नोड भी होता है, तो राइट स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी? डी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तने के उस क्षेत्र को जहां पर पत्तियां निकलती हैं कहते हैं, जहां से स्टेम के जिस भाग से, ये हमारा क्या स्टेम है, अब यहां से हमारी क्या निकल रही है? लीफ निकल रही है, तो ये भाग क्या कहलाएगा हमारा बताएं? इंटर नोड्स कहलाएगा, नोड्स कहलाएगा, थ्रॉन कहलाएगा या टेंडर कहलाएगा? ये दोनों तो आप पहले कैंसिल कर दो। अब क्या कहलाएगा बताएं? नोड कहलाएगा या इंटर नोड कहलाएगा? जहां से ये पत्तियां निकल रही है इसे हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम नोड कहते हैं। और जहां पे एक नोड के बाद दूसरा नोड आता है, इनके बीच की ये जो होता है ये हमारा क्या कहलाता है? इंटर नोड।
कुल कह सकते हैं दो नोड के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है, इंटर नोड कहलाती है, ठीक है। और जहाँ से लिप्स हमारी निकलती है वो हमारा क्या कहलाता है, नोड कहलाता है। तो बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तना का मुख्य कार्य क्या है, स्टेम का मुख्य वर्ग क्या है बताएं। पत्ती फूल और फल को संभाले रखता है, पानी का संवहन करना, खनिज लवण और प्रकाश संश्लेषण पदार्थों का संवहन करना, या फिर इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा बताएं। स्टेम का मेन वर्क क्या है, सही है, पत्ती फूल और फल को संभाले रखना, बिल्कुल सही। जो स्टेम होता है वही पे हमारी पत्तियां होती हैं, फूल होता है और फल होता है, उसी में वो टिका होता है। पानी का संवहन करना बिल्कुल सही, खनिज लवण और प्रकाश संश्लेषण करना, पत्तियों से ही क्या होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी होती है। तो डी नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कार्य को तना संपन्न नहीं कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय स्टेम, भोजन का संचय करना, सहारा देना, कायिक प्रवर्धन, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जो हमारा स्टेम है वो क्या काम करेगा, भोजन का संचय करता है, बिल्कुल सही, सहारा देता है, बिल्कुल सही होगा। दूसरा क्वेश्चन आ गया, कायिक प्रवर्धन, बिल्कुल सही हो जाएगा ये भी, इनमें से कोई नहीं, सारी स्टेटमेंट हमारी क्या है यहाँ पे राइट होंगी। नाक फनी है, हाइड्रोफाइट, मीजोफाइट, जेरोफाइट, या फिर नन ऑफ दिस। नाक फनी जो है हमारा क्या है, एक प्रकार का बताएं, नाक फनी हमारा क्या है, जेरोफाइट में आता है, ठीक है। हाइड्रोफाइट जिसके लिए पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं। मध्यविद मीजोफाइट जिसमें पानी की बहुत मीडियम आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, मेजोफाइट। और जेरोफाइट जिसमें पानी के बिना भी ये हो सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जेरोफाइट कहते हैं। जैसे कि नाक फनी, नाक फनी हमारा क्या है, जेरोफाइट है। पानी कम भी होगा तो भी नाक फनी क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन बस। प्रतान सहायता करते हैं, टेंडर्स हेल्प, जो प्रतान होते हैं, टेंडर्स होते हैं, वो किसमें सहायता करते हैं, पौधों को ऊपर चढ़ाने में करते हैं, मिट्टी से जल के अवशोषण में करते हैं, पशुओं से पौधों को बचाने में करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रतान या टेंडर्स क्या करते हैं बताएं, टेंडर्स क्या करते हैं बताएं। टेंडर्स को मैंने बताया था, इसके एग्जांपल क्या थे, तरबूजा, खीरा, लौकी, ये कैसी होती है, स्प्रिंग नुमा संरचना होती है जो उसे क्या देती है, सहारा, पौधों को आगे बढ़ाने के काम आती हैं। लौकी के पौधों में आपने देखा होगा जो पतली पतली स्प्रिंग नुमा संरचना आती है उसी के सहारे वो क्या होता है, पौधा ऊपर की ओर चढ़ के बड़ा होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा, पौधों को ऊपर चढ़ाने में मदद करता है कौन, टेंडर्स मदद करता है प्रतान। और ये किसका भाग है टेंडर्स, टेंडर्स किसका भाग है, एरियल स्टेम का हो जाएगा, किसका है ये, एरियल स्टेम का भाग होगा। एरियल स्टेम मतलब वायवीय तना का भाग हो जाएगा। पर्णकाय स्तंभ में एक रूपांतरण है, फाइलोक्लेड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, जड़ का, तने का, पत्ती का, या फिर इनमें से कोई नहीं। फाइकोक्लेड किसका है, ये भी हमारा क्या है, एरियल स्टेम का भाग हो जाएगा, ठीक है। और ये किसका हो जाएगा, स्टेम, और स्टेम में भी किसका, एरियल स्टेम का हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे की क्लास में हम देखेंगे क्या, लीफ, पत्तियां, रूट देख लिया हमने, स्टेम देख लिया, नेक्स्ट क्लास रहेगी लीफ की।